ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात ब्रह्म स्वरूपाय ब्रह्म करुणारूपिणे सतगुरु ब्रह्म प्रकाशाय नमस्ते ज्ञान प्रदायिने। शोषणं पंकज्ञानं दीपनं बोधदीपकं ज्ञानानंदं अखंडानंदं ब्रह्म प्रकाशाय नमो। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के अध्याय 2 का 48वां श्लोक है। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा सदगुरु अर्जुन से ये कह रहे हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्धय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित हुआ कर्मों की आसक्ति त्याग कर सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान होकर कर्म कर, इसे समत्व योग कहा जाता है। ये बिल्कुल सिंपल शब्द थे तो मैंने आज इनका संधि विच्छेद नहीं समझाया। परमात्मा सद्गुरु बहुत दयालु होते हैं। वो अपने शिष्यों को बहुत व्यवस्थित तरीके से इतना समझाते हैं, इतना सिखाते हैं, इतना जनाते हैं, इतना जगाते हैं कि उसकी कोई संभावना नहीं रहती असफल होने की। वो सफल ही होता है, असफल तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब किसी खटमल पर आप 12 पौंड का घन मारोगे तो वो तो बच ही नहीं सकता है। ऐसे ये अज्ञान का खटमल है, इसपे सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान का बहुत बड़ा परमाणु बम फोड़ देते हैं तो ये तो बच ही नहीं सकता है। इतना इतनी ऊर्जा लगाते हैं, इतनी ताकत लगाते हैं, इतना समय लगाते हैं, इतना सामर्थ्य लगाते हैं कि शिष्य के कल्याण में तो अब कोई शंका ही नहीं रहती। तो परमात्मा से जुड़कर इसको कहते हैं योग। परमात्मा में जागकर इसको कहते हैं योग। परमात्मा से जुड़कर और परमात्मा में जाकर जो कर्म किए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, जो एक्शन किया जाता है, उन कर्मों में संग दोष यानी आसक्ति यानी मैं करता हूं ऐसा भाव यानी बंधनकारी जुड़ाव बिल्कुल नहीं होता। त्यक्त्वा का मतलब त्याग नहीं है। कोई ऐसा नगर पालिका का कूड़ादान में कचरा फेंक के आ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या त्यागोगे? कपड़ा है तो फेंक दोगे निकाल के, है ना? नखूने बाल है काट लोगे, क्या त्यागोगे तुम? शरीर चलो सुसाइड कोई कर लेगा, लेकिन लेकिन संग दोष को कैसे त्यागोगे? वो कोई वस्तु है क्या? उसको क्या, वो क्या दिखाई देती है क्या? वो क्या सुनाई देती है क्या? वो क्या इंद्रियों के अंतर्गत है क्या? वो तो एक जुड़ाव है चेतना का, कैसे त्याग हो गए? तो इसका त्यक्त्व जो शब्द है इसका गूढ़ अर्थ ऐसा है कि त्यक्ता मतलब हट जाना, बिलग हो जाना, अलग हो जाना, संबंध तोड़ लेना। और ऐसा जो ऐसी जो स्थिति है भाइयों, वो बिना दृष्टा भाव के नहीं आती, बिना दृष्टा बने नहीं आती। दृश्य से अलग दृष्टा होता है, और जब वो देखे कि हाँ ये दृश्य और मैं दृष्टा हूं
तो ये अलग हो सकता है। परमात्मा में योग और संसार के कर्मों से हटना, संसार के कर्मों में सजगता, इसको अवेयरनेस से साक्षी होकर डिटेच होकर कर्ता को देखते हुए करने से, उन कर्मों से जुड़ाव या कर्तापने का ये आपका जो झूठा भ्रम है ये मिट जाता है। आप जानते नहीं थे, आप अंधे थे, आप सोए थे, आप मूर्छित थे, तब आपको पता नहीं था कि आप जहां बैठे हैं वो कूड़े का ढेर है। लेकिन यदि आप जाग गए, आपकी आंख खुल गई, आपकी मूर्छा चली गई, आप किसी गंदे स्थान पर बैठे हैं, तुरंत वहां से हट जाएंगे। ऐसे ही ये जो संसार में करता अपना है, ये कूड़े का ढेर है, गंदा स्थान है। अगर आप में थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है, साक्षी आ जाती है, दृष्टा आ जाता है, आप इससे हट जाते। आप जब तक कर्तापने में थे तब तक आप में जुड़ाव था, जब आप जानते नहीं थे, जब आप उसमें फंसे हुए थे, आप आसक्ति में थे, जब आप रोते थे, हंसते थे, पागलों की तरह हंसते थे, कुछ भी करते थे, बस उसमें पूर्णता में थोड़े खुश हो जाते थे, अपूर्णता में थोड़े दुखी हो जाते थे, मैं तो कहना चाहूंगा कि कृत्य के तल पर कभी कोई पूर्ण नहीं। मैं गारंटी से कहता हूं, कोई भी कृत्य आप पूर्ण कर ही नहीं सकते। कृत्य सदैव पूर्ण है और होना सदैव पूर्ण है। इसलिए परमात्मा को पूर्ण कहा जाता है, माया को अपूर्ण कहा जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि एक जाने सब होए है, सब जाने एक ना होए। एक को जान लो परमात्मा को, सब को जान लिया, और सब भी जान लोगे और उस एक को नहीं जाना तो आपका जानना जानना नहीं है। भगवान कहते हैं सच्चिदानंद परमात्मा कि अर्जुन इस तद्रा में, इस निद्रा में, इस बेहोशी में व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए अर्जुन मेरे बच्चे, पहले तू योगस्थ हो जा, है ना, पहले तू अपने आत्मा से योग कर ले। आत्मा से जो टूट गया है, तू टूटा नहीं है लेकिन तुझे आत्मा का बोध नहीं है और तुझे शरीर में ही मैं और मेरापन भास रहा है, तो आत्मा से अपना योग कर ले। कम से कम इतना कर ले, जागरूकता के पहले तल पर ही खड़ा हो जा, ज्यादा नहीं तो दृष्टा ही हो, है ना, फिर तू कर्म कर। आप लोग यदि साक्षी होके, दृष्टा होके यदि कर्म करेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपको सुख दुख ज्यादा नहीं भासेंगे और आपको तनाव सारा समाप्त हो जाएगा और आपके कर्म आपको बंधनकारी बिल्कुल नहीं होंगे। तूने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तो यदि दृष्टा साक्षी में खड़ा हो जाएगा तो ये पाएगा कि कर्मों की आसक्ति यानी संग दोष अपने आप चला जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। कहते हैं ना कि सूरज उगता है तो प्रकाश अपने आप चला जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि टोपले में भर भर के प्रकाश दूर फेंक के आना पड़ता है गड्ढे में। ऐसे ही अगर तू कर्मों की आसक्ति से छूटना चाहता है तो तू बस इतना ही काम कर ले कि तू हर काम दृष्टा होके कर, साक्षी होके कर। यह स्वतः घटित होने वाली घटना है। ये त्यक्त्वा जो शब्द है, ये किसी वस्तु को फेंकने वाला शब्द नहीं है। मनुष्यों की 300 भाषाएं हैं और 2500 से ज्यादा बोलियां हैं। इन 300 भाषा में और 2500 से ज्यादा बोलियों में किसी में ऐसे शब्द नहीं है जो आध्यात्म में हम प्रयोग लाके आपको पूरा पूरा समझा सके। क्यों? आपकी सारी भाषाएं
आपकी सारी बोलियां ये मन बुद्धि चित्त अहंकार से निकली हैं, ये परमात्मा को जानती नहीं, परमात्मा का इनका कोई अनुभव नहीं और परमात्मा की अभिव्यक्ति तो ये कर ही नहीं सकती। इसलिए सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि बहुत कोई समीप का शब्द ढूंढा जाता है और शिष्य को समझाया जाता है, और ये त्यक्तवा शब्द जो है ना वो समीप का शब्द है, एप्रोप्रिएट नहीं है, सटीक नहीं है। ब्रह्म विद्या का सटीक निरूपण आपकी भाषाओं से नहीं हो सकता। इसलिए शब्द में जीने वाला आदमी, तर्क में जीने वाला आदमी, विवाद में जीने वाला आदमी अक्सर ब्रह्मज्ञानियों के वचनों में मीन मेख निकालता है और उसी में चला जाता है। भगवान अर्जुन को कई नामों से पुकारते हैं और जैसा जैसा अवसर होता है, जैसा जैसा प्रसंग होता है, जैसा जैसा उपदेश होता है, जैसा जैसा श्लोक होता है, वैसे वैसे अर्जुन के इस गीता में नाम आए। कहीं धनंजय आया है, कहीं पार्थ आया है, कहीं कौंतेय आया है, कहीं महाबाहु आया है। यहां पर धनंजय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो धनंजय क्या है थोड़ा बताऊंगा और भी आगे बताऊंगा। धनंजय शब्द इस बात का प्रतीक और उत्प्रेरक है कि जो योगस्थ होने के लिए जीवन रूपी जो धन है, एक एक सांस आपकी धन है, एक एक सांस आपकी ऐसी है कि यदि कोई बहुत पैसे वाला हो और वो मर रहा हो और यदि वो कोई उसके पास आके कहे कि चलो मैं तुम्हें एक सांस दे देता हूं और दे देता हूं, तो कह देता है कि हां मुझे एक सांस दे दो और मेरा सारा धन ले लो। तुम्हारी मृत्यु के क्षण में पृथ्वी का सोना भी अगर कि तुम किसी को दे दो तो एक क्षण तुम ले नहीं सकते, इतना कीमती है ये। इसलिए इसको कहा है कि धनंजय, मतलब इस जीवन रूपी जो धन है, इस धन से अगर तुमने ध्यान नहीं किया तो आपकी जय नहीं हो सकती, आप जीत नहीं सकते। अगर आप इस अवधि में आपने क्षण क्षण का उपयोग नहीं किया, विद्वान लोग कहते हैं कि क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम्। क्षण को नष्ट करने से विद्या प्राप्त नहीं होती और कण को नष्ट करने से धन प्राप्त नहीं होता। यदि आत्म साक्षात्कार किसी को करना है और वास्तव में वो जिज्ञासु है और असली जिज्ञासु है, मैं नकली जिज्ञासुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो फैशन के लिए आ जाते हैं गुरु के पास, जिनको कोई प्यास नहीं है, बस आ गए हैं गुरु के पास क्योंकि जो है बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और इसलिए चले जाते हैं कि उनको कुछ कुछ नया चाहिए और वो लोगों को ये भी दिखाना चाहते हैं कि भाई हम बड़े धार्मिक भी हैं। लेकिन जो असली जिज्ञासु है वो एक क्षण भी साक्षी से हटना पसंद नहीं करेगा। तो आत्म साक्षात्कार में के उपयोग में एक एक क्षण का अगर आप ठीक से सदुपयोग कर रहे हैं तो ही आप सही जिज्ञासु हैं। और बेहोशी की नींद में अगर आप जीवन नष्ट कर रहे हैं, इस धन को नष्ट कर रहे हैं, तो आप धनंजय नहीं हो सकते। आप आत्मज्ञान रूपी जय की ओर नहीं चल सकते। आपको अपनी एक एक सांस का उपयोग आत्मज्ञान रूपी जय के लिए करना है तो आप धनंजय हैं। तभी आप लोग सोचते होंगे कि अर्जुन हम नहीं बन सकते। हाँ, इसलिए अर्जुन इसलिए नहीं बन पा रहे हो आपके, आप धनंजय नहीं हो। एक छोटी सी कथा मुझे याद आती है, बहुत कथा मुझे याद आती है। एक गुरु ने एक शिष्य की परीक्षा लेने का विचार किया
और एक सुंदर लड़की का रूप बनाया गुरु महाराज ने, और उस शिष्य के समीप से गुजरते हुए, और वो लड़की ने वो उस शिष्य जहाँ ठहरा था आश्रम में, वहीं वो लड़की आई और उसने कहा कि गुरुजी मैं इस आश्रम में एक रात ठहरना चाहती हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, गुरु गुरु बहुत समर्थ होते हैं। उन्हें उस लड़की का भी रूप बनाया और वो एक कमरे में जाके दरवाजा बंद करके और लेट गई। रात गुजरी, मतलब रात में थोड़ा समय गुजरा, रात की मध्य रात्रि आई, वो जो शिष्य था उसका भी बगल में ही कमरा था, तो धीरे धीरे उस लड़की के आकर्षित करने के लिए पहले तो कुछ गाने लगा, फिर बांसुरी बजाने लगा, और जब वो लड़की आकर्षित नहीं हुई तो धीरे से उसने दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि जल लाया हूँ ठंडा पी लो। लड़की ने कहा कि नहीं मुझे प्यास नहीं है, तो फिर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद, एक घंटे आधा घंटे बाद, फिर उसके मन में वही इच्छा हुई लड़की से मिलने की, और फिर वो गया, बोले सुनो मेरे पास कुछ रुपए हैं इकट्ठे किए हुए दक्षिणा के, मैं आपको देना चाहता हूँ। दरवाजा खोला, खोलो। और उसने दरवाजा खोला लड़की ने, जैसे ही उसने दरवाजा खोला वैसे ही सामने उस लड़की की जगह गुरु महाराज खड़े थे, और गुरु महाराज ने लपक कर एक रपट उस शिष्य में मारा। तुम्हें पता नहीं है जहां जहां तुम गड़बड़ करते हो वहां गुरु महाराज मौजूद रहते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं रहता है, एक सदगुरु को पता रहता है। तो इस प्रकार से जो साधक है वो यदि धनंजय बनना चाहता है, वो अविद्या से हटकर साक्षी में बहुत काल के अभ्यास से उसके ध्यान की वह अवस्था आ जाती है। जैसे अभी वेदांतानंद आपसे बातचीत कर रहे थे कि आप जब कुछ काम भी करें, गृहस्थ में भी रहें, ऑफिस में भी रहें, दुकान भी दा करें, जो भी आप कुछ करें, यदि आप इस ध्यान का अभ्यास करेंगे तो आपका वहीं कर काम करते करते भी आप परमहंस पद को, यानी मुक्त अवस्था को, साक्षात्कार को, बुद्धत्व को, ज्ञान को, संबोधि को, समता को, स्थिति प्रज्ञ अवस्था को, समाधि को, सहज समाधि को, निर्विकल्प समाधि को, एक ही नाम है भाई, एक ही के सब नाम है, प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बहुत काल तक वो साक्षी का अभ्यास करता है साधक, तो सब कुछ करते हुए उसका जो ध्यान है, और वो ध्यान उसका रहता है, ध्यान उसका टूटता नहीं, उसका ध्यान बिल्कुल बिल्कुल उसका सहज ध्यान हो जाता है। हर काम में वो ध्यान ही करता है, पानी भरता है तो ध्यान करता है, भोजन बनाता है तो ध्यान करता है, ऑफिस जाता है तो ध्यान करता है, कार चलाता है तो ध्यान करता है, स्नान करता है तो ध्यान करता है, शौच करता है तो ध्यान करता है, सोता है तो ध्यान करता है, घूमता है तो ध्यान करता है, बात करता है तो ध्यान करता है, हंसता है तो ध्यान करता है, रोता है तो ध्यान करता है, नाचता है तो ध्यान करता है, उबासी लेता है तो ध्यान करता है, छींकता है तो ध्यान करता है, ऐसा कोई क्षण उसका नहीं बचता जब वो ध्यान ना करता हो। तो उस अवस्था को जब हर समय हर क्षण ध्यान नहीं टूटता, गीता का यह जो शब्द है योग स्थिति, उसकी योग में स्थिति हो जाती है, वह योग में आरूढ़ हो जाता है। ये योग की स्थिति में कर्म करना, शारीरिक कर्म हो, मानसिक कर्म हो, कोई भी कर्म हो, ये योग की स्थिति में सारे कर्म करता है, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जो दूसरों में नहीं होती और उसमें होती है। उसमें यह बात होती है कि वो अनावश्यक कर्म नहीं करता। ज्ञानी को कभी भी देखो, वो अनावश्यक एक कदम भी नहीं चलता है, अवश्य के वही कर्म करता है। ज्ञानी ऊर्जा का पूरा संरक्षण करता है। अज्ञानी की तरह ऐसा नहीं कि पैर हिला रहा है, कान खुजा रहा है, नाक खुजा रहा है, कुछ नहीं है तो उंगलियां चटका रहा है, ऐसे ऐसी व्यग्रता अज्ञानी के अंदर होती नहीं।
और आवश्यक कर्म करता है, अनावश्यक कुछ भी नहीं करता। जीने के लिए और सद्गुरु की सेवा के लिए और परिवार चलाने के लिए वो जो भी कर्म करता है, लेकिन जो संग जो शब्द है उसमें संग द्वे दोष नहीं आता। और जो संग शब्द है, ये शब्द जो है योग से उल्टा शब्द है, अपोजिट शब्द है। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सत्य का अपोजिट असत्य है, ऐसे संग का उल्टा है योग। और आप अगर विचारों में खोए खोए जी रहे हैं, आप अगर विचारों में खोए खोए जगत की आसक्ति में जी रहे हैं, आपका यदि जगत से, पुत्र से, धन से, संसार से, व्यवहार से, कार्य से, पद से, मान से, प्रतिष्ठा से अगर आपका जुड़ाव है और आपको उससे प्रभाव होता है, यह है संग दोष। इसका मतलब है अटैचमेंट विथ अनकॉन्सियसनेस। इस स्थिति से बिल्कुल उल्टा होता है, उसको कहते हैं डिटैचमेंट, टोटलिटी, टोटल डिटैचमेंट, पूरी तरह से माया अविद्या से अलग होकर जीना। जिएंगे वो भी जो अज्ञानी है और जिएगा ज्ञानी भी, लेकिन दोनों के जीने में अंतर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्यक्त्वा, संग त्यक्त्वा, संग का त्याग, त्याग और ग्रहण, ये दो शब्द हैं, ये पंडित पुरोहितों के शब्द हैं, लेकिन हम क्या करें, पंडित पुरोहितों ने मिलकर सारे भगवान के प्रेमी जिज्ञासुओं को इस कदर धर्म के जाल में और इस तरह से कर्म कांड में फंसा रखा है कि वो अंदर मौजूद वास्तविक परमात्मा की ओर जाने वाले जो लोग हैं, हमको उन्हीं में से ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए उन्हीं के शब्द भगवान श्री कृष्ण प्रयोग में ला रहे है ना। तो ये जो ग्रहण और त्याग है, ये ज्ञानियों की भाषा नहीं है। अब एक बात और बोलते हैं धनंजय के बारे में कि साक्षी के धनुष पर और ज्ञान का तीर चढ़ाकर और उस तीर का संधान करके और अविद्या के आवरण को जो चीर डालता है और उस आवरण के पीछे जो परमात्मा का प्रकाश है, ज्ञान है, ब्रह्म का प्रकाश है, उस प्रकाश में ओतप्रोत हो जाता है, उसको भी धनंजय कहते हैं। वह भी धनंजय है, यानी आत्मा का साक्षात्कार कर लेना। जैसे मीरा के बारे में कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रही तो पिया मिलेंगे। ये जो घूंघट है, ये माया का मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, और इससे जो फैली हुई समस्त माया है, ये घूंघट है। इस घूंघट के पट को खोलना, इसका आवरण भंग करना, इसका यह अर्थ है धनंजय का। ये बहुत गूढ़ अर्थ है। अब आगे बात होती है, कहते हैं कि सिद्धि असिद्धि दोनों समान हो जाती है। यदि आप सफल हो जाए और असफल हो जाए, तो जो आपकी आंतरिक समता है, ये ज्ञान की जो अवस्था है, ये विचलित नहीं होती। सफलता और असफलता, सिद्धि और असिद्धि, मेरे भाई ये तो मन और बुद्धि और चित्त के विषय हैं। और मन बुद्धि चित्त से तो आप अलग हट गए, तो मन बुद्धि और चित्त से जैसे हट गए तो आपको इसकी प्रतीति तो होगी, लेकिन आप इसकी प्रतीति के साथ में
आपके संग दोष नहीं होने के कारण, संबंध नहीं होने के कारण आपके साथ ऐसा होगा जिससे कि हजारों किलोमीटर दूर कोई फटाका चलाए तो आपको उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे इराक में अभी लड़ाई चल रही है, लेकिन हम बैठे हैं इंदौर में, लेकिन हमको तो इराक की लड़ाई से यहाँ कोई खतरा नहीं हो रहा। ऐसे ही इतना दूर हो जाता है कि आपको इससे कोई खतरा होता नहीं है, ये हजारों किलोमीटर दूर की घटना होती है, ऐसा आपका ऐसा अनुभव में आती है आपको, इससे आप प्रभावित नहीं होते। और ये मन बुद्धि चित्त ये अंतःकरण है, अंतःकरण का मतलब होता है अंदर की इंद्रियां हैं, इनका प्रभाव योगस्थ साधक पर बिल्कुल पड़ता ही नहीं। उसके अंदर तो क्या होता है, एक अखंड समता व्याप्त रहती है, एक अखंड समता स्थापित हो जाती है। इसी समता को जो हमारे तत्ववेत्ता हैं, ब्रह्मवेत्ता सदगुरु हैं, उन्होंने इसी समता अवस्था को, जो अखंड समता है, इसको कहा है योग। कहते ना योग कर्म सुकौशलम। अरे भैया, अब आप लोगों ने पतंजलि को जाना ही नहीं है, जो विदेशों में पूरी दुनिया में जगह जगह और योग योगा सिखा रहे हैं, है ना, योगा सिखा रहे हैं। अब मैं कह दूं क्यों, कारण यह है कि मुझे तो किसी से कोई डर है नहीं है, और दूसरी बात है मुझे को ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई नाराज हो जाएगा तो मेरे को कोई दिक्कत है। तो ये जो योगा जो सिखा रहे हैं ना, ये प्राणायाम, ये कान बंद करना, मुंह बंद करना, भस्त्रिका, ये वगैरह, ये जो सिखा रहे हैं कुंडली योगा के नाम पर विदेशों में बहुत इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, है ना, और ये तरह तरह के जो ऑब्जेक्ट पर ध्यान कराते हैं, बिंदुओं पर ध्यान कराते हैं, कोई नील बिंदु, कोई लाल बिंदु, कोई मूर्तियां, कोई छवियां, कोई भाई प्रथम चक्र में ये दिख रहा है, दूसरे में वो दिख रहा है, तीसरे में वो दिख रहा है, ये इस तरह से जो ध्यान करा रहे हैं, इसका इस जो मैंने अभी योगा योग बताया, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, ये सब माया है, भ्रांति है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, केवल स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वहीं तक ही ठीक है, ये आध्यात्म से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे कालबेलिए होते हैं, सांस को रोक लेते हैं, जमीन में खड्डा खोदते हैं, समाधि का प्रदर्शन करते हैं, गांव भर से चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे जादूगरी की तरह से समाधियां लगाना, प्रदर्शन करना, तमाशा दिखाना, ये समाधि नहीं है। ये समाधि तो मेंढक लगा लेते हैं, सांप लगा लेते हैं, भालू लगा लेते हैं, भैया मेंढक और सांप और भालुओं की मंदिर बनाकर पूजा करो, काहे चक्कर में लगे हो। इसलिए सदगुरु के शब्द तुम लोगों को बहुत कड़वे लगते हैं, क्योंकि सदगुरु तुमको सत्य बोलना चाहता है, तुमको भ्रांति में नहीं रखना चाहता। मैं कहता हूँ फिर पढ़ो पतंजलि को ध्यान से, तुम जो समझे हो वैसा नहीं है पतंजलि। इसलिए बिना समता के ये योग जो है समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पढ़ने और समझने का विषय नहीं है, योग बुद्धि का बिल्कुल विषय नहीं है, योग बुद्धि के पार जाकर परमात्मा से मिलन का विषय है, योग एन एडिशन विद द गॉड, मिलन का विषय है। और जो एक बार मिल गया, परमात्मा को जान गया, परमात्मा में जाग गया, वो वैसे ही परमात्मा हो जाता है जैसे किसी बहुत बड़े अग्नि के कुंड में एक छोटा सा लकड़ी का या मोम का पुतला डाल दो तो अग्नि हो जाता है, परमात्मा आपके अंदर वैसे ही प्रकट हो जैसे इस जगत के महापुरुषों के बीच अंदर प्रकट हुआ है, क्योंकि आप मेरे पास आए हो। मैं भगवान से आपके लिए अवश्य प्रार्थना करूंगा। सद्गुरु भगवान की जय।
स्वामी जी महाराज की जय। शिवो हम।